नमस्कार दोस्तों, पोमिनोटेरिया 7 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2022 ह्युंडई क्रेटा फेसलिफ्ट के बारे में। दक्षिण कोरिया की प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी ह्युंडई ने अपनी लोकप्रिय एसयूवी ह्युंडई क्रेटा के फेसलिफ्ट वर्जन को इंडोनेशियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। दोस्तों इसकी बिक्री भी इंडोनेशियन मार्केट में शुरू हो गई है, जिसके बाद इस एसयूवी के फेसलिफ्ट वर्जन को इंडियन मार्केट में लाया जाएगा। इस 1200 मिड साइज एसयूवी को ज्यादा स्पॉटी लुक के साथ लेटेस्ट फीचर से लैस इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाना है। इस मिड साइज एसयूवी का 2022 ह्युंडई क्रेटा फेसलिफ्ट एसयूवी के सभी डिटेल का खुलासा हो चुका है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में ह्युंडई क्रेटा की सारी रिवील हुई डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों बने रहे इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों पहले तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, जिससे हमारी ओर से आने वाली सभी ऑटोमोबाइल अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं ह्युंडई क्रेटा फेसलिफ्ट के एक्सटीरियर से। फेसलिफ्ट क्रेटा में एक्सटीरियर स्टाइल में बदलाव के साथ साथ कैबिन में अपग्रेड भी किया गया है। फ्रंट ग्रिल पूरी तरह से नया है और लगता है कि यह वैश्विक बाजारों में बिक्री की जाने वाली ट्यूशन एसयूवी से प्रेरित है। लुक और स्टाइल के मामले में इंडोनेशियन स्पेक क्रेटा का फ्रंट लुक काफी बड़े अपडेट के साथ पेश किया गया है, जो नई ट्यूशन की याद दिलाता है। यानी नई क्रेटा में ह्युंडई की नई पैरामेट्रिक ग्रिल दी गई है, जो कार की पूरी चौड़ाई में फैली हुई है, और कॉर्नर में एलईडी डे टाइम रनिंग लैंप्स जो बंद होने पर ग्रिल का ही हिस्सा लगते हैं। इसके अलावा हेड लैंप ज्यादा रेक्टेंगुलर दिए गए हैं और थोड़ा नीचे पोजीशन किए गए हैं। ह्युंडई ने एसयूवी के रियर लुक में भी बदलाव किए गए हैं। पुराने मॉडल की तुलना में नए मॉडल में शार्प लुक वाली टेल लाइट्स दी गई है। इसी के साथ इसमें हल्के से अपडेट किए गए हैं। साइड में आपको 18 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे, ऑटो एडजस्टेबल ORVMs, ऊपर की ओर आपको शार्प फिन एंटीना और रूफ रेल देखने को मिल जाएंगे। रियर में आपको रीडिजाइन रियर बम्पर देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं नई ह्युंडई क्रेटा के इंटीरियर के बारे में। दोस्तों ह्युंडई क्रेटा को पहले से ज्यादा प्रीमियम लुक में और प्रीमियम क्वालिटी में पेश किया जाएगा। इसमें 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाएगा, 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और नॉर्म्स, स्मार्ट इको और स्पोर्ट्स विकल्पों के साथ स्टीयरिंग माउंटेड ड्राइविंग मोड सिलेक्ट मिलता है। इसी के साथ आपको सॉफ्टवेयर ड्यूल टोन डैशबोर्ड, वर्टिकल पोजीशन एसी वेंट, लार्ज डोर पॉकेट, सीट विथ हेडरेस्ट, रिक्लाइन रियर सीट्स जैसे शानदार फीचर्स दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं नई ह्युंडई क्रेटा में मिलने वाले इंजन की। नई ह्युंडई क्रेटा फेसलिफ्ट में इस्तेमाल किए गए इंजन के बारे में अभी कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक नई क्रेटा माइल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लैस हो सकती है। इसके साथ ही नई एसयूवी में ऑटोनॉमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी भी दी जा सकती है। भारत में क्रेटा का सेकेंड जनरेशन मॉडल 3 इंजन विकल्प के साथ मिलता है, जिसमें से पहला इंजन आपको 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया जाता है, जो 115 BHP का पावर और 144 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। वही दूसरा इंजन आपको 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जाता है, जो 140 BHP का पावर और 242 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। तीसरा इंजन आपको मिलता है 1.5 लीटर डीजल इंजन, जो 115 BHP का पावर और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह एसयूवी 6 स्पीड मैनुअल, IEVT 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक और 7 स्पीड DCT ऑटोमेटिक जैसे 4 गियर बॉक्स ऑप्शन के साथ उपलब्ध है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं ह्युंडई क्रेटा की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में। दोस्तों 2022 ह्युंडई क्रेटा को 2022 दिवाली तक इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। इसके प्राइस की बात करें तो तकरीबन 11 लाख से 15 लाख के बीच में रखी जाएगी। तो दोस्तों क्या यह एसयूवी इंडियन मार्केट में लॉन्च होती है तो आप लेना पसंद करेंगे, मुझे कमेंट सेशन में जरूर बताएगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, जिससे हमारी ओर से आने वाली सभी ऑटोमोबाइल अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों थैंक यू अंत तक देखने के लिए।